चार महीने तक रियायत देने के बाद अब बिजली बिल वसूली के मामले में बिजली बोर्ड ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 20 बड़े बकायेदारों को बिजली काटने का नोटिस भेज दिया गया है। 25 अगस्त को बड़े पैमाने पर बिजली काटने को लेकर विभाग अभियान चलाएगा। रांची एरिया बोर्ड के अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव से इस मामले पर बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। कोरोना काल में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत दी थी कि आप अपने तरीके से बिजली का बिल जमा करें, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से परिभाषित किया और पूरी तरह से बिजली बिल जमा करना ही बंद कर दिया। इन सब के बीच लंबे वक्त के बाद 3-4 महीने के बाद एक बार फिर से बिजली बोर्ड ने सख्ती दिखाई है और 20 से ज्यादा बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा है। इस वक्त हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड के ESC प्रभात कुमार श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने दी थी रियायत, लोगों ने इसे समझ लिया गलत तरीके से, अब नोटिस मिला है लोगों को। जी, इस पे हमारा कहना है कि हम लोग भी बिजली को परचेज करके ही आपूर्ति करते हैं और हम लोग का रेवेन्यू कलेक्शन डाउन हो गया था, तो अतः हम लोग आपको समय से बिजली कंपनियों को, बिजली उत्पादन कंपनियों को बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण उनके द्वारा धमकी दी जाती है कि हम आपका बिजली आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे, लोड शेडिंग करेंगे। अतएव इसे देखते हुए चूंकि हमें आपको रेवेन्यू की सख्त ज़रूरत है, इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो भी ड्यूज का बकाया है उसको अपना जमा करें। अगर वो एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में करके करें, लेकिन आप करें क्योंकि हमें आपको रेवेन्यू की अत्यंत आवश्यकता है ताकि हम रांची वगैरह एरिया एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। अभी जो नोटिस गया है बड़े बकायेदारों, कितना पैसा बाकी होगा इसमें? हमें लगता है कि लगभग 4 से 5 करोड़ का एरियर्स इन्वॉल्व है और सभी लोगों को हम लोगों ने नोटिस भी दिया है और लोगों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मंथ लास्ट तक हम लोग सर पेमेंट कर देंगे। कट हो जाने के बाद क्या स्थिति बनता है कंज्यूमर्स के लिए? तो उसके बाद वो फिर आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम एक बार में रुपया नहीं दे पा रहे हैं, कृपया इंस्टॉलमेंट कर दिया है। तो हम लोग उनकी आर्थिक स्थिति को अपना ध्यान में रखते हुए इंस्टॉलमेंट वगैरह का ऑर्डर करते हैं। काफी रियायत मिली, लेकिन शायद लोगों ने कसम खा रखी थी कि बिजली बिल नहीं देंगे। आखिरकार बिजली विभाग के अधिकारियों का धैर्य टूटा और अब 25 अगस्त के बाद से बिजली काटो अभियान व्यापक पैमाने पर पूरे रांची शहर क्षेत्र में चलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।